लड़का कार की विंडो के बाहर कुछ टिड्डियां देखता है, उसे खतरे का एहसास होता है। वो देखता है दूर से हजारों टिड्डियां उड़ते हुए उसकी ओर आ रही है। लड़के को समझने का मौका नहीं मिलता, टिड्डियां सीधे कार की तरफ टूट पड़ती है। लड़का सर झुकाकर नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। टिड्डियों का सैलाब स्टीयरिंग से बंधे मेमने को घसीट कर ले जाता है। जल्दी ही उसकी माँ एना घर आती है। केविन माँ को टिड्डियों के हमले के बारे में बताता है। वो लोगों को टिड्डियां बेचने का काम करती है। वो देखती है टिड्डियों के टेंट टूटे पड़े हैं। एना को मालूम है ये उसकी बेटी लौरा का काम है। वो कार से मेमने को ढूंढने निकलती है। तभी उसे मैदान में मेमने की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे उसी की टिड्डियों ने बुरी तरह से खा लिया था। एना किसी को बिना बताए चुपके से मेमने को जमीन के अंदर गाड़ देती है। घर आकर वो लौरा को फटकार लगाती है। एना अपने बेटे के साथ मेमने को तलाशने का दिखावा करती है। अब घर के टेंस माहौल को हल्का करने के लिए एना बच्चों को समुद्र के किनारे घुमाने ले जाती है। लौरा देखती है माँ ने इतनी गर्मी में भी फुल स्लीव के कपड़े पहने हुए है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ घाव के निशान छुपाने की कोशिश कर रही है। घर आकर एना लौरा को एक स्कूटी खरीद कर देती है। वो अपने बेटे केविन को एक फुटबॉल समर कैंप में भेजती है। वो टिड्डियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए ब्रीडिंग शेड लगाती है, लेकिन उन्हें पिलाने के लिए आने वाले सुअर के खून की शॉर्टेज हो गई है। टिड्डियों को जिंदा रखने के लिए वो अब उन्हें अपना खून पिलाने जाती है।